एटीएन सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने की। गोढ़ना रोड में जल जमाव चर्चा का विषय बन गया था। मजबूरन ही लोग इस रास्ते से आवागमन कर रहे थे। वार्ड पार्षद रेणु देवी और सामाजिक कार्यकर्ता अमरेंद्र कुमार द्वारा इस समस्या को लेकर पिछले 24 अगस्त को धरना कार्यक्रम के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान का भरोसा दिया था। क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष पूर्व वार्ड पार्षद अमरेंद्र कुमार ने इस बार बार इस समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के संग बैठक किया। 29 अक्टूबर को देर रात्रि तक ईंट के टुकड़े गिराकर आम जनता की भलाई के लिए सड़क को जल मुक्त किया गया है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार अमरेंद्र कुमार कुछ लोगों के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किए गए हैं। उन लोगों द्वारा उनसे बदतमीजी भी की गई है और काम रोक देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि आप काम रोक दें और काम मत करवाएं। अमरेंद्र कुमार के द्वारा सूझबूझ से काम लिया गया होता तो आम जनों को इस समस्या की मुक्ति नहीं मिलती। बता दें कि गोढ़ना के जल जमाव से मुक्ति करने के दौरान अमरेंद्र कुमार को वार्ड 44 व वार्ड 45 का भी मुद्दा बनाया गया है। गोढ़ना रोड पर ईंट के टुकड़े गिरने से रोड पर जमे गंदे नाली के जल जमाव से आम जनता को लगभग मुक्ति मिल गई। सामाजिक कार्यकर्ता अमरेंद्र कुमार के अनुसार उन्होंने यह कार्य किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा आम जन की भलाई के लिए यह काम किया गया है। इस छठ महापर्व में मैं अगर राजनीति भाव से सफाई करा रहा होता तो भगवान भास्कर हमें माफ नहीं करेंगे। अगर इसके बाद भी इस आस्था को वे राजनीतिक भाव समझ रहे हैं तो हम चाहेंगे इस तरह की राजनीति भाव सभी जनप्रतिनिधियों में हो। गोढ़ना रोड जो कि काफी समय से खराब था, जर्जर अवस्था में था, जल जमाव की समस्या था, अब रोड़े गिराए जा रहे हैं। छठ बस कुछ ही समय रह चुका है और आज नगर आयुक्त जो यहाँ के विधायक जो भी लोग आए थे यहाँ पर, अभी फिलहाल आपके माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है रोड़े गिराए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये रोड़े पूरी तरीके से सफल होंगे इस पूजा समय? बहुत ही मतलब पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं एटीएन न्यूज़ को कि आप यहाँ गोढ़ना रोड में आने का काम किए और यहाँ के ज्वलंत मुद्दा को दर्शकों को दिखाने के लिए आप बराबर जो है तत्पर रहते हैं, इसके लिए पहले धन्यवाद है। और दूसरी चीज़ ये है कि पिछले एक महीना से गोढ़ना रोड में जिस प्रकार से गंदे नाली के पानी का जल जमाव था, हमारे लिए सरदर्द बना हुआ था। हम चाहते थे पिछले 7 वर्षों से इस पथ की सफाई हम हर प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्ष हम पार्षद थे, आज के डेट में हम पार्षद प्रतिनिधि हैं, आप भी जानते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि इस पर्व त्यौहार में, लोक आस्था का पर्व में, छठ पर्व में, जिसमें माताएं, हमारी माताएं और बहनें एक कोऑपरेटिव कॉलोनी से सूर्य मंदिर पर, पावरगंज सूर्य मंदिर पर छठ व्रत करने के लिए जाती हैं, और हम लोग यहाँ के जो स्थानीय नागरिक भी हैं, एक जिसमें हम सभी का जिम्मेवारी बनता है कि हम सभी लोग लग कर साफ सफाई करके और इस प्रकार से करें इस पर्व को, ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। हाँ, आए थे मेयर साहब भी, आए थे विधायक जी भी, आए थे इस योजना के लिए माननीय सांसद महोदय को भी बुलाया गया था और योजना प्रक्रिया में है। अभी जो वर्तमान में रोड़ा गिराया जा रहा है, हम लोग अपने स्तर से गिरा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कल रात्रि में मेरे साथ कुछ मतलब अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके हम घोर निंदा करते हैं। फिर भी हम उसको हाईलाइटेड अभी नहीं करना चाहते हैं। आपसे आग्रह है कि मतलब उन लोगों से भी बोला जाए, सभी लोगों से आग्रह है कि मिलजुल कर गोढ़ना रोड को हम लोग इतना सुंदर बनाएं कि किसी भी छठ व्रती को छठ घाट तक जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और किसी प्रकार के लोक आस्था के पर्व में कोई भी राजनीतिक मतभेद भुला कर सभी लोग मिलजुल कर हमें सहयोग करें। हम आशा और विश्वास के साथ उनको भी कर रहे हैं जो हमारे साथ रात्रि में किए। पावरगंज का जो है छठिया घाट, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है, क्योंकि जो नवादा और कुछ क्षेत्र के लोग आते हैं, क्योंकि छठिया घाट काफ़ी आस्था का केंद्र रहा है लोगों का, पुल बनने से वहाँ पर भी एक समस्या, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या मतलब की व्यवस्था किया है जो लोग बढ़ेंगे? एक्चुअली में जहाँ पर पहले छठ घाट हम लोग का पहले पूर्ण रूप से दोनों घाट के चारों किनारे पर था, उसमें पुल सही में बनने से थोड़ा सा हम लोग को समस्या जरूर आया है। तालाब छोटा हो गया है, लेकिन हम लोगों ने
कच्चे घाट साइट से निर्माण करा दिया है रातों रात, आप जाके देख सकते हैं। परसों रोज हम लोग ने कच्चे रंग वहाँ के छठ संघ के सहयोग से और अपना सहयोग से हम लोग ने कच्चा घाट बनवा दिया है। और हमारे वार्ड में लगभग एक नहर अनाइट नहर घाट भी है, वहाँ पर भी कुछ लोग पर्व करते हैं। प्रयास रहेगा, भगवान भास्कर का आशीर्वाद रहेगा तो उसी में हम लोग सभी लोग मिलजुल कर छठ पर्व जो लोक आस्था का पर्व है उसको मना लेंगे। सर ये रोड पर ईंटा गिराया गया, रोड़ा गिराया गया तो रोलर भी चलाया जाएगा? हाँ, इसमें क्या है कि कल हम जेसीबी से इसको बराबर करवा रहे थे, हमारा था कि इसे हम बराबर पूरा गोड़ना पथ को एक अच्छा बनवा दे ताकि मतलब किसी भी पर्व को कोई किसी को परवर्ती को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन रात्रि में थोड़ा रोक दिया गया था, दो लोग आकर हमें रोक दिए कि नहीं काम मत करवाइए, ठीक ना, तो नहीं तो अभी तक हम लोग काम पूरा कर लेते, लेकिन हम उनसे आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमें सहयोग करें, वो रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, प्रयास मेरा है कि तत्कालीन जो व्यवस्था है हमारा फिलहाल के लिए, ताकि किसी भी छठवर्ती को समस्या ना हो, हम लोग लगे हुए हैं और आप लोग का भी आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा है हम लोगों को कि हम लोग मिलजुल कर जनता से भी आप लोग थोड़ा सा ये करें कि सहयोग मिले हम लोगों को, जो अभी बीच बीच में बाधा आ जा रहा है ये बाधा न आए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है और वर्तमान में मैं यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पहले पूर्व पार्षद भी मैं पार्षद भी रहा हूँ और केड़ा भारती के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। एटीएन सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने की।